हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का हमारे ये जो वीडियो है ना, वो बेसिकली क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, जो डाउट में है कि पढ़ाई कैसे करें। अभी उन्होंने क्लास 10th का एग्जाम दे करके 11th में कॉमर्स ली है, एंड वो क्योंकि कॉमर्स एक न्यू सब्जेक्ट है, तो वो डाउट में है कि कैसे पढ़ाई करें, कौन सी बुकों से पढ़ाई करें, ट्यूशन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। तो आज के इन वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 3 सिंपल टिप्स, जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड आपके जो डाउट्स है ना पढ़ाई के रिगार्डिंग, क्लास 11 में कैसे पढ़ाई करें, वो डाउट भी आज के इस वीडियो में क्लियर होंगे, राइट? तो चलिए फिर टिप नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सजेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है अच्छी किताबें, सही किताबें, गुड बुक्स फॉलो करिए। क्लास 11 कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? अकाउंट्स, इको यानी इकोनॉमिक्स, एंड बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज। तो ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप, ठीक है, स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, बट उसके बाद कोशिश करिए कि आप सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। बीएसटी बहुत ईजी पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर एकदम स्टोरी जैसा है, बहुत अच्छा, मतलब बिजनेस के बारे में पूरी इसमें नॉलेज प्रोवाइड की गई है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, तो वो तो आप आसानी से कर लेंगे। इकोनॉमिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ टॉपिक में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। अकाउंट्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होगा, तो स्कूल की पढ़ाई करिए, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, प्लस अच्छी बुकें फॉलो करिए। प्लस इसके आगे मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी, वो आपकी हेल्प करेंगे इन 3 मेन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके डाउट क्लियर करने में, ठीक है। एंड जहां तक बुकों की बात है ना, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, देखिए आप एक मेन बुक तो लीजिएगा, जैसे अकाउंट्स के लिए टीएस गढ़वाल है, ठीक है, काफी अच्छी बुक है। ऐसे इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी की भी अच्छी बुक्स मार्केट में है। प्लस इसके साथ एक सजेशन और देना चाहूंगी कि एनसीईआरटी जो है ना, उसे निगलेक्ट मत करिएगा। एनसीईआरटी बहुत अच्छी लिखी गई है, क्लास 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी है स्पेशली मैं कहूंगी, बहुत अच्छी लिखी गई है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी भी जरूर फॉलो करिएगा, राइट? और एक चीज और है, हमें मेन बुक तो पढ़नी है, इसके साथ ही मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। एंड प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आप ले सकते हैं क्वेश्चन बैंक। तो जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी, ठीक है, प्लस आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट होगा और एक चूज करना होता है, तो उन सब्जेक्ट की साइड बाय साइड आप क्वेश्चन बैंक भी लीजिए, और साथ के साथ जो जो चैप्टर स्कूल में होते जाएं उसके साथ के साथ आप क्वेश्चन बैंक से और क्वेश्चन लगाते जाइएगा, ठीक है। एंड इसी क्वेश्चन बैंक के लिए मेरे नजर में एक बुक है, काफी अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की है। मैं इवन अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इसी बुक से प्रैक्टिस कराती हूँ। हम जैसे चैप्टर सेकंड इस समय हमने फिनिश किया, तो चैप्टर सेकंड फिनिश किया, फिर इस बुक से चैप्टर सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम मेन बुक तो अपनी फिनिश करते हैं, उसके बाद ये जो क्वेश्चन बैंक है इससे मैं उन्हें क्वेश्चन कराती हूँ। तो ये काफी अच्छी बुक है, आप एक बार रेफर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी समरी दी हुई है, फिर उसके बाद उन्हीं चैप्टर्स के हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें है, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हैं, और बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में सॉल्यूशन आपको इन बुक्स में दिया गया है, तो आप एक बार इसे रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एंड इसके साथ ही ओसवाल का oswal.io इनका पोर्टल है, वो भी एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको मिल जाएंगे फ्री मॉक टेस्ट, वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट का क्या फायदा है कि इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे, ठीक है, एग्जाम में हमें एक लिमिटेड टाइम में पेपर करना होता है ना, तो उसके प्रैक्टिस आप कर पाएंगे इनके पोर्टल पे oswal.io पे। यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट है जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्लस वो जो टेस्ट आप देते हैं उसका इवैल्यूएशन भी होगा, उसका फीडबैक भी आपको दिया जाएगा, तो जरूर एक बार इनका पोर्टल भी विजिट कर लीजिएगा। ये QR कोड है, ठीक है, इसको स्कैन करके आप इनके पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, या फिर आप वेबसाइट, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से भी इनके पोर्टल पे जा सकते हैं। तो ये मेरी सबसे पहली टिप है क्लास 11 के स्टूडेंट्स को कि अच्छी बुकें फॉलो करिए, एनसीईआरटी को मत भूलिएगा, पहले सबसे पहले एक मेन बुक लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, फिर उसके साथ एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके साथ आपको लगाने हैं क्वेश्चन बैंक, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, और जो डाउट है वो अपने स्कूल के टीचर से, प्लस अभी मैं आपको और सजेशन दूंगी, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं टिप नंबर 2 पे।
तो दूसरी जो मैं टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, इंक्लूडिंग माई चैनल, जहां पर आपको क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है, आपको वहां पे कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं अपने चैनल की भी बात करूँ तो मेरे चैनल पे भी, ये मेरा चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, फर्स्ट चैनल है, सेकेंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है। तो मेरे फर्स्ट चैनल पे क्लास 11 का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड BST, ये तीनों सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी अपना अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और बहुत डिटेल में, अराउंड 200 वीडियोस में मैंने ये तीनों जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो कवर किए हैं। तो मैं श्योर हूँ आपके जितने भी डाउट है ना वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मेरे चैनल पे भी है, और भी मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जहाँ पे क्लास 11, 12, BBA, BCom इनका कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है। तो मेरे हिसाब से किसी ट्यूशन की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बिना किसी ट्यूशन के बहुत आसानी से क्लास 11th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और फिर भी कुछ डाउट बढ़ जाता है तो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी, आप यूट्यूब पे जब वीडियो देखते हैं आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेरा सजेशन है कि आप जो यूट्यूब पे जो लेक्चर वीडियोज है ना उनको भी फॉलो करिए। जिस टीचर का आपको अगर समझ में आता है, जिस टीचर का समझ में आता है उस टीचर का चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड वहां से आप एक सीक्वेंस में एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बहुत इजी है ये जो कॉमर्स, थोड़ा सा बच्चों में, क्योंकि कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट होता है, आप 10th से पहले कॉमर्स जनरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। BST थोड़ा बहुत कहीं पे बिजनेस के बारे में बात हुई, इकोनॉमिक्स आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, SST में इकोनॉमिक्स आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अकाउंटेंसी की बात करें वो कंप्लीटली एक नया सब्जेक्ट होता है आपके लिए जब आप 11th में आते हैं। तो इसलिए बच्चों में पहले से थोड़ा सा डर बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं ना, जब उनका सिलेबस शुरू होता है स्कूल में और थोड़ा सा बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा मेरा सजेशन है यूट्यूब के वीडियो से पढ़िए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये, और बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छा है, मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, ईजी है, प्लस इसका स्कोप बहुत है। कॉमर्स स्ट्रीम आज के टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बढ़िया जॉब्स मिल जाती हैं, बहुत बढ़िया पैकेज पे बच्चे प्लेस होते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि मन लगा के पढ़िए, यूट्यूब के वीडियो लेक्चर से भी आपको बहुत हेल्प होगी, ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए हमारी तीसरी टिप, जो मैं तीसरा सजेशन जो आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि हार्डवर्क, डू हार्डवर्क। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्डवर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो ईमानदारी से आपको जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, ईमानदारी से आपको किताबों से पढ़ाई करनी है, प्लस स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है, प्लस यूट्यूब के जो लेक्चर वीडियोस हैं, जिस टीचर का आपको समझ में आता है उस टीचर के जो वीडियोस हैं एक सीक्वेंस में देखें। एक बात और सजेस्ट करूंगी, कहीं से एक टॉपिक पढ़ लिया, कहीं से एक टॉपिक पढ़ लिया, ऐसे पढ़ाई मत करिएगा। एक सीक्वेंस में अगर पढ़ेंगे ना, क्योंकि चीजें इंटरलिंक होती हैं, अगर आपको पीछे के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं अकाउंटेंसी की ही बात करूं तो अकाउंटेंसी का क्लास 11 में फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है अकाउंटिंग के टर्म्स। तो जब वहां पे आप एसेट, लाइबिलिटी, कंटिजेंसी और भी बहुत सारे टर्म्स पढ़ते हैं, तो जब तक ये टर्म्स आपको नहीं क्लियर होंगे आगे वही टर्म बार बार यूज होंगे। तो जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब यही नहीं क्लियर है तो आगे कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप सीक्वेंस में ये टॉपिक पढ़ें। तो ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, किसी को दिखाने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें अपने लिए पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, और कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट काम नहीं आने वाला है। अगर आपको सही में लाइफ में कुछ करना है, सक्सेस मतलब अचीव करना है क्लास 11 में, फिलहाल अभी क्लास 11 के हैं तो आपका फोकस अभी क्लास 11 को का कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे है। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो फिलहाल हमारा फोकस है कि क्लास 11 में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, क्लास 11 का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। फिलहाल अभी हमारा शॉर्ट टर्म गोल यही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टिप नंबर 3 मेरी ये है कि डू हार्ड वर्क, मेहनत करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है, मेहनत करनी है, उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये है मेरे 3 सजेशन फॉर क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट। बाकी इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। गॉड ब्लेस यू।